सा सतिया सधीर रे पर जैसल जग का चोर रे है उसे पल में कहा पीर। चल रे अंजार मेरे भाइयों, हे मन रे चल रे अंजार, चलो रे ये यात्रा करने रे जैसल पीर की रे भाइयों, अंजार मेरे भाइयों, अंजार में अंजार मेरे अंजार मेरे भाइयों, अंजार हम जाएं रे। आज मुझे तो धर्म का मेला सजाना रे भाइयों, अंजार मेरे भाइयों, अंजार में अंजार मेरे भाइयों, अंजार में अंजार मेरे भाइयों, अंजार खाएंगे संतरे खाएंगे साधु भी रे भाइयों, अंजार मेरे भाइयों, अंजार में अंजार मेरे भाइयों, अंजार में अंजार मेरे भाइयों, अंजार में। अंजार मेरे भाइयों, हे वहाँ है अलख का दरबार, जाए रे ऐसा सम्मुख आएगा मेरा साए बारे भाइयों, अंजार मेरे भाइयों, अंजार में अंजार मेरे अंजार मेरे भाइयों, अंजार में 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 अंजार अंजार मेरे
अंजार मेरे भाइयों, अंजार में, 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 अंजार मेरे घेर लो चिता को और देखो अपनी माँ की चिता को आग न दे सके। कहाँ है जैसल? कहाँ है जग का चोर जैसल? कहाँ है? उठा लो इस शव को और गांव के घर के दरवाजे पर लटका कर ढिंडोरा पिटवाओ कि देख लो कि जैसल की माँ की हालत देख लो। पूरे कच्छ में ये खबर फैला दो कि मरी हुई अपनी माँ को जैसल आग भी नहीं दे सका। रुक जाओ, मर्द की मर्दानगी रण में शोभा देती है, शमशान में नहीं। ये चिता में लेटी हुई माँ जितनी जैसल की है उतनी मेरी भी है। ओ, जैसल की बहन। जैसल के साथ अपना रिश्ता तो मैंने दिल के साथ कभी का जला दिया और रिश्ता हमेशा के लिए मिटा दिया। हाँ, वो मेरा भाई था, वो माँ का बेटा था, पर आज तो वो कच्छ की धरती का बैरी और जन भोग के बैरी की कोई माँ नहीं हो सकती, कोई बहन नहीं हो सकती। अरे धूल पड़ गई तेरी माँ की कोख में जिसने जैसल जैसे काले नाग को जन्म दिया। कोतवाल, तुम्हारे हथियार की ऊंचाई तुम्हारे कदमों में ला गिराया मैंने, लेकिन तेरे जैसे बुजदिल को मारने के लिए अपनी तलवार को खराब नहीं करूंगा। तेरे जैसे बुजदिल के लिए तो Thank you.
जाओ जैसल। जैसल तेरी पापी परछाई से माँ की चिता को अपवित्र नहीं करना। मान बा। याद कर, खून से रंगी तलवार लेकर जब तू माँ से मिलने आया था तब माँ ने तुझे गांव से निकल जा कहकर जो शब्द कहे थे उन्हें याद कर। बहन मान बा। माँ ने कहा था कि 9 महीने अपने पेट में बेटा नहीं बल्कि एक काले नाग को पाल रही थी जिसकी आग सारी कच्छ की धरती को भस्म कर रही है। मान बा। याद कर माँ को दिया हुआ वचन। जा जैसल, जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी मेरी माँ को अपनी काली शक्ल मत दिखाना। मान बा, तुम जानती हो तुम किसके सामने बोल रही हो? भान तो तू भुला है जैसल। देख देख जैसल जाड़े जा, जिस गांव में तूने जन्म लिया उस गांव में जी रहे हैं 5-7 बुढ़े, ये जवान विधवाएं और छोटे छोटे झूले में बच्चे। तेरी खून पीने वाली तलवार ने जवानों को जिंदा नहीं रहने दिया। रहने दे जैसल, अपनी माँ की चिता को मैं खुद जलाऊंगी। मान बा, माँ की चिता को आग बेटा देता है, बेटी नहीं। वही रुक जा जैसल, नहीं तो मेरे हाथों तेरी हत्या हो जाएगी और उसके बाद कोई भी बहन भाई के हाथों में राखी नहीं बांधेगी। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर मेरे हाथ से तेरी हत्या होगी तो कोई भी बहन भाई को राखी नहीं बांधेगी। तेरे जैसा भाई होने से तो अच्छा है कि मैं बिना भाई के अकेली बहन कहलाऊँ जैसल। मान बा। जैसल जाने जा। मैं कौन? जैसल जडेजा, कच्छ की धरती का काला नाग। जैसल जडेजा, कच्छ की धरती का काला नाग। जैसल जडेजा, कच्छ की धरती का काला नाग। जैसल जडेजा, जैसल जडेजा, जैसल जडेजा हूँ मैं। की बेटी हूँ, काठिया वाली हूँ। ओ, तोरल। अरे हमारे कस्बे में मर्द आते हैं तो औरतें लजाकर खड़ी हो जाती हैं। उसकी जगह एक औरत सबके बीच तलवार लेकर खड़ी है। अब कहाँ रही लाज मर्यादा? लाज मर्यादा? भरी सभा में एक औरत की साड़ी खींचकर एक नारी की इज्जत लूटने वालों के सर पर एक नारी तलवार से वार करे, इससे क्या लाज मर्यादा खत्म हो जाएगी? बहन, यहाँ तो द्रौपदी के वस्त्रहरण की व्याख्या चल रही है। सुनने वालों को ये व्याख्या लग रही होगी
पर मेरे लिए तो यह अति वेदना की बात है। सभा में बैठे पुरुषों से मैं पूछती हूँ, जवाब दोगे? जुए में पुरुष अपनी अर्धांगिनी को हार जाए, ये कहाँ का नियम, कहाँ की नीति, कहाँ का न्याय? जवाब दूं? दूं? बोलो, तुम्हारे सामने जवाब दूं, बोलो। दो, दो, दो। तो सुनो तोरल दे, स्त्री पर पुरुष का अधिकार है और पुरुष धनी है और धनी कुछ भी कर सकता है। धनी, धनी परणु? अरे नारी, किसने लिखा है तेरे भाग्य में ये लेख? अरे तेरे माथे पर तेरे पति के नाम का सिंदूर है, हाथ में चूड़ियां है। अरे इतनी ही बहादुर थी तो जाती दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की इज्जत बचाने? मुंह संभाल के बात कर, फालतू बात सुनने का वक्त मेरे पास नहीं है। और सुन ले अभिमानी पुरुष, द्रौपदी का चीर जब दुशासन ने खींचा, तब उस सभा में अगर ये तोरल होती तो महाभारत का युद्ध वहीं पूरा हो जाता। ये काठिया वाली रंग में भंग कर गई। कच्छ में क्या काम है सेठ? क्यों इतने देर बाद पूछते हो? दरबार लगा है। यहाँ कच्छ में एक से एक लड़कियाँ हैं और सेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए इस तरफ निकला था। कोई गरीब और रूपमती मिल जाए तो। कहीं कोई बात चली क्या? नारे ना, तुम्हारे सूरत में नहीं करना। अगर ऐसी कोई मिल गई तो मेरे तो भाग्य बिगड़ जाएंगे भाई। पर सच कहूँ दरबारी, ये लड़की अपने पति को नानी याद न दिला दे तो कह देना इस सेठ को। अरे इसका पति तो है काले नाक का जहर पी के जिंदा रहने वाला, आग लगाने वाला भी इससे दूर भागता है। अरे रावण के तो 10 सर थे, ये तो 11 सर लेके जन्मा है। उसका नाम सासदिया है, सासदिया। सासदिया? सुन, सगन तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, कितनी सारी मछलियाँ दिख रही है। देख देख, कोई मछली चटक न जाए। मजा आ गया। आया। अरे सासदिया के हाथ से आज तक कोई बच नहीं सकी। नहीं बचो। अरे भाग आएगी कहाँ? सावन छोड़ दो, वहीं से उठा। क्या उठाओ? गहनों में आधा हिस्सा दे दे। सावंत, इसे कह दो ये गहने हमारी लूट के हैं, और मर्द से अपना हिस्सा मांगना ये तो सर कटवाने का खेल है। जा सावंत जा, तुम्हारे साथी से कह दे कि सर काटने का खेल खेल के तो मैं बड़ा हुआ हूँ। जब तक घोड़े में बैठा हूँ तब तक आधा हिस्सा, और अगर घोड़े से उतर गया ना तो इसमें से तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सुनो जवान, हम जा रहे हैं भावनाथ के मेले में, और वहां से जाएंगे अपने घरवाली को घर में लाने। इसलिए अच्छे काम में जाते समय अपना सर कटवा शकुन मत कराओ, समझे? और मेरे लिए सर काटना यही बड़े बड़ा शगुन है। कौन हो तुम? पीछे हट जाओ। जोगन पीछे हट जाओ। तुम्हें मौत का डर भी? ये भगवी चादर ओढ़ने के बाद जीवन और मरण दोनों को ही राम सागर के इक्ता के साथ खेलने छोड़ दिया। यहाँ से चली जा जोगन, ये तलवार की धार तेरा ये तंबूरा नहीं झेल पाएगा। जोगन ऐसे नहीं मानेगी, हट यहाँ से। शिवरात्रि है और एक साधु पर तलवार चलाते हो? अरे राम सागर से तो भव सागर तर सकते हैं। आज छोड़ दे छोगी। तलवारों को म्यान आपकी बाजी अधूरी, कैसे तलवार म्यान में नहीं रखा? आज की अधूरी बाजी कभी और पूरी कर लेना।
बेटा, राम सागर की ऐसे रखवाली करोगी तो राम सागर तेरी रखवाली करेंगे। जय अलग धनी। जय अलग धनी। अरे सावंत, उठो उठो, क्या हुआ? अरे जल्दी पहुंचना है, उठो, चलो चलो, उठो उठो।
सत की सुन लो अब सार, ओ जग की जोगन सत की सुन लो अब सार। जय माता दी। वाह सामंत वाह। सासतिया जी, ये तोरल दे गांव में दिखाई नहीं दे रही है। गांव में लड़कियों का आना जाना तो है, पर वो तोरल दे कहाँ है ये कैसे पता चले? ले, ये क्या बात, तुम तुम्हारी घरवाली को नहीं पहचानते? अरे सामन, जब मेरी शादी हुई ना, तब मेरी उम्र थी 10 बरस की और तोरल दे की थी 7 बरस की। शादी के समय मेरे पिता और तोरल के पिता के बीच में कसम की कड़वाहट हो गई। ये कसम की कड़वाहट तो ऐसी है कि बड़ों बड़ों में बैर करवा दे। अरे सामन, इन बड़ों की कड़वाहट के चलते ना तो मैं तोरल को ले जा सका और ना ही मेरे ससुर ने संदेश भेजा कि आके तोरल को लेके जाओ। दोनों बड़ों की कसम और कड़वाहट उनकी चिता में जलकर राख हो गई, इसलिए मेरी सास ने संदेशा भेजा है कि आके तोरल को लेके जाओ। शादी के बाद पहली बार इस गांव में और इस घर में मैंने पांव रखे हैं। अब तो सामने आए तभी पहचानो कि क्या है तोरल। तोरल दीदी, मुँह मीठा करोगी तो मीठा मीठा समाचार दूंगी। अपना मुँह तो हमेशा मीठा होता है। बोल क्या समाचार है? तुम्हारे वो सासड़िया है ना, वो तुम्हें लेने आए हैं। माँ आशीर्वाद देना। माँ बेटा तोरल, बेटा ससुराल में अपने परिवार का मान बढ़ाना, तुझे अलग धनी का सहारा। माँ सुन बेटी, तू अकेली ससुराल जा रही है तो अकेली किसके सहारे समय बिताएगी? ये ले, माँ साध्वी जी ने तेरे लिए ये प्यार से राम सागर की भेंट लाई है। माँ संभालने और साथ देने की दुआ करना। आएंगे अलग धनी। जय अलग धनी। ओ तू तोरल दे, अरे कुमान सेन, छोकरी तो अच्छे अच्छे मर्द का सर उतार दे ऐसी थी। क्या बात कर रहे हो जैसल भाई? क्या बात करूं, हम दोनों की तलवार उसने आसमान में उछाल दी। अभी भी उसका चेहरा मुझे तलवार के दर्पण में दिखाई दे रहा है। भाई लाओ हाथ। कन्या मेष तुला मकर, जैसल भाई ख ज भ प। जैसल भाई देखो तो सही, आपका भाग्य में औरत का ग्रह बहुत बलवान है। महाराज मेरे हाथ की रेखा में लाल जोड़ा नहीं है। है? अरे इन लकीरों में साफ साफ लिखा है कि एक नारी जाति है ना, वो तुम्हारा मस्तक यानी कि आपका सर अपने चरणों में यानी कि अपने पैरों पर झुकाएगी। अरे पंडित के बच्चे, मेरा नाम जैसल जड़ेजा, अगर तेरा कहा झूठ निकला ना। नहीं होगा, नहीं होगा भाई, अगर मेरा कहा झूठ निकला ना तो ये जनेऊ जला के उसकी राख पानी में घोल के पी जाऊंगा। मेरा जैसल का माथा एक नारी के कदमों में झुक जाए, ये कभी नहीं हो सकता। जय अलग धड़ी। Thank you.
तोरल दे। वाह रूप की रानी तोरल दे। साधुओं के सामने नाचने वाली बांधे घुंघरू अपने पैरों में और अपने सासदिया के सामने नाच। बांध गाना बांधू पैरों में घुंघरू बांधू ये तो पति की आज्ञा है। देखिए हाँ सासदिया जी, कहीं आप मुझे पहचान न पाए तो। बांध जल्दी बांध और नाच मौज मना। हे छोड़ दो पाप का ये संगत, मौका जीवन का लाई हूँ, प्रीत का अंगे जोड़ा आज ओढ़ कर मैं आई हूँ, ओढ़ कर मैं आई हूँ। छोड़ दो पाप का ये संगत, मौका जीवन का लाई हूँ, प्रीत का अंगे जोड़ा आज ओढ़ कर मैं आई हूँ। तोरल दे, तेरे इस अलग धनी के सामने नहीं अपने इस पति के सामने 16 श्रृंगार करके नाच, समझे? सासदिया जी, इस घर में कितनी काठिया वालों की बहुओं ने घूंघट उठाया होगा, इसी घर में जन्म लेकर आप पालने में झूले होंगे। हाँ। और इसी घर में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, नाचने वाली नहीं। रहने दो, अलग की जोर से यहाँ आग मत लगाओ। आग मत लगाओ, अब तो इस घर में आग की ज्वाला सुलगेगी और जहर के प्याले छलकेंगे। मेरे पलंग पर ये ब्राह्मण का तंबूरा उठा उसको। ये राम सागर तो मेरे साथ साथ जन्म का साथी है, भाव भाव का भैरू है। अरे हट, तेरे साथ साथ जन्म का साथी है तेरा ये सासदिया, तेरे अंग अंग में वास है तेरे सासदिया का। इस घर में मैं अपने सासदिया को ही ढूंढ रही हूँ सरकार, कहाँ है सासदिया जिसके नाम की मैं चुनरी ओढ़ कर आई हूँ? तोरल, कहाँ है वो सासदिया जिसके नाम का सिंदूर मैंने अपने माथे पर सजाया है? तोरल दे, कहाँ है वो सासदिया जिसके साथ ये तोरल संसार के चौपट पर पीठ का पासा बिछाए? कहाँ है, कहाँ है तोरल के साथ लग्न मंडप में बैठने वाला सासदिया कहाँ है? तोरल, ये फनकार तो शराब के नशे की है सरकार, इस फनकार को सुनके तो झाड़ के सूखे पत्ते कापेंगे, तोरल नहीं। देख ले जग की रचना करने वाले, मानव के घट को घटने वाले देख ले, दुख के जहर का कटोरा तो मैं काटिए क्यों पी जाऊंगी, पर ये तो भक्तेन, मैं तुझे यहाँ भक्ति करने के लिए नहीं लाया, मैं आकर लाया हूँ। हे छोड़ दो पाप का ये संगत, मौका जीवन का लाई हूँ, प्रीत का अंगे जोड़ा आज ओढ़ कर मैं आई हूँ, ओढ़ कर मैं आई हूँ। ये लाई हूँ मैं।
नहीं तुरल दे, ये क्या कर रही हो तुम? लो सासु दिया जी, पियो। ना तुरल दे। तुरल दे, बरसों की प्यास बुझने लगी है, और पिलाओ, और पिलाओ तुरल दे। अब तो तुम्हारे साथ मुझे भाव सागर पार करना है तुरल। जय अलग धनी, जय अलग धनी। जेसल, जेसल जाड़े जा, जिससे पूरा खर्ची डरता है, उससे कह दो कि ये कानू ढोल की तमाशा नहीं, कानू जी कोतवाल तेरा सर काटने आया है। ए घमा, क्या हुआ? ढोल बजा, ढोल। ढोली ढोल वाली, अब ये कानू का ढोल बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? देखी ये तलवार, देखी देखी, अब ये तेरा ढोलकी वाला नहीं, राजा मुझे कोतवाल बना दिए हैं, कानू जी कोतवाल। अभी मैं जैसल जडेजा का सर काटने जा रहा हूँ। अरे तलवार छोड़ दे, ढोलकी बजा। ढोलक नहीं बजेगी। बजा, मेरे से तेरी ढोलकी अब नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? तेरी ढोलकी अब ढीली पड़ गई है। तो सुन, ढोलकी में ताल चढ़ा और तू ढोलक बजा। मेरे अंग अंग में झनझनाती धुन चढ़ी है धमा, तू ढोलक बजा धमा। तुझे झनझनाती चढ़ी है तो मुझे जोश चढ़ रहा, जोश। मैं गाऊं तू ढोल बजा, मैं गाऊं तू ढोल बजा, गली गली में चप्पू चलाओ। मैं गाऊं तू ढोल बजा, मैं गाऊं तू ढोल बजा, मैं गाऊं तू ढोल बजा, गली गली में चप्पू चलाओ, गली गली में चप्पू चलाओ। मैं तेरी तू मेरा सजना, आई हूँ मैं तेरे अंगना, तू मेरा मैं तेरी सजना, आई हूँ मैं तेरे अंगना, आई आ, 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 आ। चुप, मेरा प्यारा धमा, ढोल बजाते बजाते कहाँ छुप गया? अरे मेरा नाच ही बंद कर दिया, ए धमा। भाइयों और बहनों, आज दशहरे का त्योहार है, लोग आज रावण का पुतला जलाते हैं, उसके बदले हम जैसल चोट्टा का सर काटेंगे। कहाँ है जैसल चोट्टा, कहाँ है? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, काट डालूंगा। अरे ढोल बजाओ, मुझे कोई सुर दो, अरे मुझे कोई सुर दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, आज छोड़ूंगा नहीं, मुझे सुर चढ़ गया है, आज नहीं छोड़ूंगा इसको, काट डालूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं। या आज गया काम से। मैं कौन? जैसल जाडेजा, कच्छ की धरती का काला नाग। अरे मैं किसी के चरणों में सर झुकाऊंगा? अरे मैंने अच्छे अच्छों का सर झुकाया है। ओह, तो तुम सब वट सावित्री का व्रत करने आए हो, वो भी मेरे सामने तलवार चलाने वाले अपने पतियों की लंबी आयु के लिए। जैसल भाई, जैसल ये सिर्फ कच्चा धागा ही नहीं बल्कि सुहागन की श्रद्धा की अमृत बेल भी है। बहना, तेरा भाई जैसल सब कुछ जानता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं। सिखाने नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। बचपन में हमने एक कटोरे में दूध पिया है, इसीलिए वापस चला जा जैसल। अरे दूध के कटोरे में जहर लेके आ गई, लगाम छोड़ दे बहना। नहीं छोड़ूंगी। मामा जी मान जाइए ना। लगाम छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी। तू भी ले। अरे पापी, बहन भांजी की हत्या करके तू तो रिश्तों का नाम खराब कर दिया। अरे तेरे जैसे पापियों का साथ देना भी एक तरह का पाप है। आज से तेरा और हमारा रास्ता अलग है। अलग है। जाओ, मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। चलो
जैसे आकाश में सूरज अकेला है, वैसे ही धरती में जैसल जडेजा भी अकेला शोभा देता है। जैसल जी लोहार तलवार लेकर आ गए हैं। कच्छ के लोहे के तलवारों का पानी क्या उतर गया है? जाओ पहाड़ की धरती चीर के तलवार लेकर आओ। जैसल जाडेजा, राजगढ़ में एक ही तलवार ऐसी है और वो है सासदिया की तलवार। अगर मर्द हो तो जाकर ले आओ। सासदिया, सासदिया काठी, सासदिया की तलवार। तोरल दे, तलवार की खून की प्यास बुझ गई। तुम्हारे साथ से इसे केसर चंदन के तिलक की लगन लग गई है। जैसल, कहाँ है तू कायर? बाहर आ। जैसल, मौत की उंगली थाम, मैदान में आ जाडेजा। अरे जवाब तो दे, सात सात माथों का सर उतार कर तिलक करने वाले, आज खुद के माथे का मोह जाग गया? तो ले, पहन ले ये चूड़ियां। कोतवाल, देख ली मेरी टूटी तलवार की ताकत? अरे मर्द का बच्चा हो तो हाथ लगा कर दिखाओ। कोतवाल, करो।
सासदिया जी, आपकी देवों की तोरल घोड़ी को धूप दे आई। तुम्हारे धूप के धुएं में मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है तोरल दे। जय अलग धनी। जय अलग धनी। जय भोलेनाथ भाई। जय भोलेनाथ जसल भाई। जय भोलेनाथ। क्या आज यहाँ अकेले टूटी हुई तलवार लेकर बैठे हो? महाराज, ये जैसल सवारी कर सके ऐसी घोड़ी और जैसल के हाथ को शोभा दे सके ऐसी तलवार मिल जाए ना, तो ये जडेजा आज भी लहू की नदियां बहा दे। लहू की नदियां। जैसल भाई, आप सवारी करो ऐसी घोड़ी और आप पे शोभे ऐसी तलवार, सूरत के सासदिया काठी के राजगढ़ में है। सासदिया, 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 कौन है ये सासदिया? अरे जिसके घर में सती तोरल जैसी नारी है। तो ये तोरल घोड़ी और ये तलवार एक पल में लेकर आऊंगा मैं। हाँ, पर जाने से पहले ध्यान रखना जैसल भाई, क्योंकि आपके भाग्य की रेखा में साफ साफ लिखा है कि कोई नारी आपको झुकाएगी। अरे ऐसी तो 313 नारियां मेरे कदमों में झुकती है। मैं कौन? जैसल जडेजा। अब अलग धनी की आराधना करो, जलती ज्योत के स्वामी का स्मरण करो। अलख का आंगन हीरे मोतियों का हाट है, अलख का आंगन हीरे मोतियों का हाट है, अलख का आंगन हीरे मोतियों का हाट है। चलो रे सभागी ऐसे, ओ चलो रे सभागी ऐसे, वर्षों की बाट है। सत की ध्वजा लहरे, धर्म की छाँव रे, आशा तृष्णा की आग बुझ जाए आज रे। मानव धर्म से
मन का वचन न तोड़िए। साधु के घर से दीपक कभी ना चुराइए। बुरा है रे पतिये त्यज दो, बुरा है रे पतिये त्यज दो, तीरथ का घाट है अलख का आंगन हीरे साधु संत जति सती भगत भगवाधारी आओ और प्रसाद ले लो। तोरल दे, गांव में कोई अतिथि या मेहमान घोर निंद्रा में घिरा हो तो उसे जगा के हम प्रसाद दे आते हैं। चलो, समझ में नहीं आता कि एक प्रसाद आज बच कैसे गया, जरूर कोई है। चलो ये क्या, कौन हो भाई? अरे अरे, इनकी हथेली में तो घाव लग गया है। अरे कोई कपड़ा वपड़ा लेकर आओ जल्दी। ये तो छोटा घाव है सासदिया जी, अरे ऐसे घाव तो मर्द का भूषण होता है। आप कौन हैं? मैं जैसल जडेजा। ओए तलवार रखो, जैसल के गर्दन पे सर नहीं, सर तो वो हाथ में लेके घूमता है। पहचान गए? मैं कच्छ की धरती का काला नाग खूंखार लुटेरा। पहचान गया भाई, पहचान गया। तोरल दे, इस मेहमान से तो हमारी पुरानी पहचान है। हाँ, युग युग की पहचान। लो अलग धनी का प्रसाद लो। मैं प्रसाद लेने नहीं आया हूँ, आज तो आया हूँ तुम्हारे यहाँ चोरी करने, डाका डालने। चोरी करने? और इन साधुओं के घर में? हाँ, मैं लेने आया था तुम्हारी अनोखी घोड़ी, तुम्हारी तलवार, पर अब देख लिया तुम्हारी ये नार। तोरल देखो भी। आंगन में आने वाला तो जो चाहे मांग सकता है जडेजा, पर देना ना देना तो अलग धनी के हाथ में है। मैं तुम्हारे अलग धनी को नहीं पहचानता, मैं जैसल जडेजा। मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हारी ये तोरल घोड़ी, तुम्हारी तलवार और तुम्हारी नार तोरल देखो कच्छ की धरती पर लेकर ही जाऊंगा। अब पहले मेरी भी बात सुन लो जडेजा, ये तोरल कच्छ की धरती पर तभी पैर रखेगी जब। बोलो बोलो तोरल दे, बोलो। जब ये जैसल जडेजा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अपना मस्तक काट के मेरी चुंदड़ी में श्री फल के जैसे आ गिरे और अपने वचन का मोल चुकाए। ओ, इतनी सी बात? आंचल फैलाओ तोरल दे, ये जैसल जडेजा के मस्तक का भार तुम्हारी चुंदड़ी का आंचल सह सकता है क्या? देखना तोरल दे, ये मस्तक तुम्हारे चरणों में गिरेगा नहीं। अरे मर्दों का माथा तो मुसीबत में भी झुकता नहीं, काट दो तो भी पुकारता रहे। लो तोरल दे। रुक जाओ जैसल जी, रुक जाओ। सती भक्ति का मार्ग तो तलवार की धार है,
लगने और कटने का डर जिसके मन में हो उससे भक्ति नहीं हो सकती भाई। हाँ, कायर का काम नहीं, शूरवीर हो वही संत हो सकता है। हाथ की हथेली उठ गई है तो भी आँखों में दर्द का एहसास नहीं। हंसते हुए मस्तक उतारने वाले इस सुंदर हृदय वाले इंसान को अगर कोई मार्मिक संतों की राह दिखाए तो यही राह। ये मानिक, ये मोती भक्ति के धागे में पिरो के अलग धनी के गले का हार बन जाएगा। पर इस इंसान के गले में तुलसी की कंठी बांधेगा कौन? सती तोरल के अलावा और कौन बांध सकता है ये हार? जैसी पति की और अलग धनी की मर्जी। लो जैसल जी, प्रसाद लो, तुम्हारी इच्छा अलग धनी पूरी करेंगे। तोरल दे, अंतर में एक इच्छा जागी है कि जैसल जब जब जहां जहां जोत जलाए तब तब यहां भी जोत जले ऐसा वचन दो। भगत, अलग धनी पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लो जैसल जड़े जा, तोरल का साथ आँख से भरे रास्ते पर भी बढ़ते हुए रास्ता पार कर लेना। जय अलग धनी। वहीं रुक जाओ तोरल दे, आप इस गांव की बहू हो। सासदिया जी, बेटियां दी जाती है, बहुएं नहीं। दुहाई है आपको देवल वालों की, दादा सूरज देव की। इनके सामने नजरे तो करो, इनकी तेज किरणों में आशीर्वाद है। तोरल का कच्छ जाना इन्हें मंजूर है। तोरल आई तो काठिया वाली थी, सासदिया के घर का श्रृंगार थी, पर अब एक पतित पावन गंगा है, इसके जाते प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। लो जाडेजा, ये वो तलवार जिसे तुम लेने आए थे, पर इतना याद रखना इस पर केसर चंदन का तिलक लगा हुआ है, और आपके हाथ में है तोरल घोड़ी और ये तोरल दे, ये तीनों मैं आपको सौंपता हूँ। जय अलग धनी। जय अलग धनी। सुने भगला, जैसल सूरत से आ रहा है। जैसल सूरत में से जिंदा आ रहा है? ना ना, अब तो उसका मुर्दा भी वापस नहीं आएगा। ये लो आ गया जड़ेजा, अभी देखता हूँ सासदिया की तलवार घोड़ी और तुरल देखो लेके। अरे जैसल के बच्चे, जा अपने जैसल का स्वागत करना है तो नदी के तट में। अब तक तो उसका सासदिया के गाँव में राम नाम सत्य हो गया होगा। राम नाम। तोरल दे, चारों दिशा में अंधकार छा गया है, थोड़ी देर के लिए विश्राम कहां करें? जैसल जडेजा की मन भरमाने वाली रात आज अंधेरा लेकर आई है। वही दिखाएगा हमें उजाला। तुम्हें ये रात माननी है और मुझे आज की रात जाननी है। चलो जडेजा जी, चलो। जय अलग धनी। जय अलग धनी। तोरल दे, ऐसे अकेले? साथ में एक साथी भी है, पहचाना आपने? जिसको तोरल का साथ हो उसकी तो एक ही पहचान, वो तो होता है अलग के आंगन में खेलने वाला अद्भुत जोगी जोगिंदर। जोगी जोगिंदर जडेजा, इस सुलगती रात को तिलक करने नहीं निकला है। आज की इस पवित्र रात में गुलाब का छींटा डाल के रंग खेलने निकला है। आओ तोरल दे, पहले खंडहर में चलते हैं। सुलगती मशाल के आगे
आज तुम्हारा रूप देखना है। ठीक है जाडेजा, चलो। वाह, तो फिर दीवार की आड़ में क्यों छुप रही हो, इसे मैं क्या समझूं? ये तो जैसा साथी हो वैसी समझ। तो फिर तुम अपनी चुंदड़ी का साथ छोड़ो, ये तुम्हारे जोबन और जवानी पर भार लग रही है। जाडेजा, नारी एक बार शादी की पहली रात शरीर से ओढ़नी उतारती है और वो सकपन तो पूरा हो गया, और दूसरी बार बच्चे को जन्म देकर इस धरती की गोद में मिल जाती है, और तीसरी बार जब शमशान में चिता पर आखिरी पद पर हो तब। आओ, चुंदरी का छोर मेरे हाथ में ही है, अपना रिश्ता भी पक्का कर लेते हैं। रिश्ता तो एक ही होगा तोरल दे, तुम्हारे सर की चुंदड़ी उतारने का। अरे ये क्या, तोरल दे, नहीं तोरल दे, नहीं तोरल दे, नहीं 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 तोरल दे, नहीं नहीं। जय अलगधनी। जागो जाडेजा, सफर अभी तक अधूरा है, हमें अभी मंजिल तक पहुंचना है। जागो जाडेजा। तोरल दे, तोरल दे, जैसल जाडेजा। हाँ? इस सूरत की धरती को आखिरी बार जाते जाते सत सत प्रणाम कर दो। अब हमें ये सामने जो दरिया दिख रहा है उसे पार करके अंजार पहुंचना है। तुम्हें दरिया से भय तो नहीं लगता ना? जैसल जाडेजा को दरिया का भय? अरे तोरल दे, जैसल को देख के डर को भी डर लगता है। चलो। नहीं नहीं, तोरल दे, तोरल दे, ये नदियां की मौजें मेरी जान ले लेंगी, मुझे बचा लो तोरल दे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हाथ में तलवार तो है जाडेजा, काट दो दरिया की मौजों का सर, काट दो। नहीं 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 नहीं, नहीं तोरल दे, नहीं, इसके अंदर मुझे मुझे मेरी मौत दिखाई दे रही है, मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है। तोरल दे, मुझे बचा लो, मेरे जीवन की नाव को डूबने से बचा लो तोरल दे, बचा लो, बचा लो तोरल दे, बचा लो, बचा लो, बचा लो। जाडेजा, पाप की पोटली को फेंक दो जाडेजा, तुम्हारी जीवन की नाव अलग धड़ी नहीं डूबने देंगे। पाप को त्याग दो जाडेजा, पाप को त्याग दो।
बिस कच्चे धागे तोड़े रे, मैंने बहन भांजे को मार रे तोड़ा दे रे। ऐसा जैसल कहता है, हे जीरे जैसल कहता है। जाड़ेजा जैसल राय, इस कष्ट को मिटाने के लिए कोई आश्रम या झोपड़ी मिल जाए, ऐसा कोई ठिकाना आपने नहीं छोड़ा। सही बात है तोरल दे, इतनी बड़ी कच्छ की धरती के कलेजे में इस जैसल जड़ेजा को पांव रखने की जगह मिले, ऐसी ममता को तो मैंने मार दिया है। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि जिस मार्ग में जाते तुम्हारा कोई सगा कोई संबंधी हमें आसरा दे। सारे जगत में तो कोई नहीं तोरल दे, आओ सहारा मिल गया है। हाँ? हाँ?
आओ। ये धरती इनकार नहीं करेगी। अच्छे बुरे का भेद इस धरती की छाती पर अभी किसी ने नहीं लिखा है। कौन है? क्या हुआ जाडेजा? कुछ नहीं जाडेजा, भीतर के भ्रम को ऐसे कब तक छुपा पाओगे? ये रात का अंधकार तो घड़ी दो घड़ी का है, अभी सूरज निकल आएगा और सुबह का उजाला जान जाएगा कि जाडेजा इस अंजार की धरती पर उतर आया है। जय राज राजेश्वर। रुक जाओ, कहाँ है जैसल जाडेजा? अंजार में ये कदम रखे इसी की मैं राह देख रहा था। भैया ऐसा पूछो कि जैसल कहाँ नहीं है। इस धरती के कण में, आकाश में, मंदिर की ध्वजा में, मोर के पंख में, इस तलवार की धार में और मंजीरे की झनकार में, जहाँ देखो बस जैसल ही जैसल दिखाई देंगे। इजारत की बात में मत आना कोतवाल, इसके पैरों में लोहे की बेड़ियां डालो और ले चलो राज दरबार में। इसका जैसल जहाँ भी होगा भागा चला आएगा। रुक जाओ कोतवाल, साधु संतों के पैरों में बेड़ियां नहीं पहनाते। जीवन भगत, हमें हमारा काम करने दो, हट जाओ तुम, लाओ बेड़ियां। एक औरत के पैरों में बेड़ियां पहना रहे हो और भगत तुम तमाशा देख रहे हो? अरे ये बात कोई सुनेगा तो कच्छ की मर्दानगी पर थूकेगा। मैं तेरी ही राह देख रहा था। सिपाहियों लाओ बेड़ियां। अरे कच्छ के लोहार ने अभी तक ऐसी बेड़ियां नहीं बनाई है जो जैसल जडेजा को बंदी बना सके। कच्चे धागे के बंधन से जैसल जडेजा को बांध सके ऐसा कोई है तो वो सिर्फ तोरल ही है। ऐसा तो तोरल दे, हाथ में तलवार लो और अंजार की इस धरती पर जैसल का न्याय करो। क्या बोला? जडेजा जी, तलवार म्यान में रखो और अपने किए अपराध की सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तोरल दे। हाँ जडेजा जी, किए हुए कर्मों का लेन देन तो चुकाना ही पड़ता है ना। जैसी आपकी आज्ञा। लो कोतवाल, बांध दो जैसल जडेजा को। सूली पे चढ़ा दो आज जैसल चोट्टे को। रंग रंग होता है जडेजा। तोरल दे। शूरवीर और संत जन ये सब सूली पर चढ़ते ही हैं। तभी तो उनके जीवन की याद को संभाल कर रखा जाता है। अंतर में अलग धनी के नाम की धुन जगा के सूली पर पैर रखो जडेजा। प्रणाम।
सत सत प्रणाम। अलग धनी, जैसल जाडेजा वचन निभाने के लिए सूली पर अपनी मौत का हाथ थामने जा रहा है। आकर चमत्कार दिखाओ अलग धनी, नहीं तो जगत में जति सत्य के वचन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सत वचन की ज्योत के उजाले को इस असत्य का अंधेरा निगल लेगा मेरे नाथ। सोली की कड़ियां चढ़ा दो। खम्मा 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 मीठी बोलो, खम्मा मेरे नंदा के रास की बोलो, खम्मा हिंदू पीर की बोलो, खम्मा मेरे नंदा के रास की बोलो, खम्मा 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 मीठी बोलो, खम्मा मेरे नंदा के रास की बोलो, खम्मा हिंदू पीर की बोलो, खम्मा मेरे तोरल दे। दिया हुआ वचन तो प्राण बचा सकता है। वचन के विश्वास पर तो सारी दुनिया चल रही है। जो वचन भूल जाओ तो वचन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सासदिया जी, अलग धनी का साथ आपके साथ है। सासदिया जी, एक बात सुनो। भगत, अपने दिए हुए वचन पर विश्वास रखना। जय अलग धनी। जय अलग धनी। जैसल जी, अलग धनी का बुलावे का चावल लो और सही समय पर जोड़े के साथ आ जाना। जय अलग धनी। जाडेजा जी, गाड़ी तैयार करो, पालकी में चलना है। पर पालकी में तो पति पत्नी जाते हैं, पर हम तो सामये में जोड़े से ही जाते हैं। और जोड़े का मतलब पति पत्नी नहीं। पति पत्नी की अगन पर भक्ति का पानी छीटो और गाड़ी तैयार करो। ठीक है। गाड़ी को रोको जाडेजा जी, जरा देखो तो सही। जाडेजा जी, गाड़ी रोको। गांव आ गया क्या? जरा देखो तो जाडेजा जी, पूरा वन माँ का रूप लेकर अपने आंचल के छांव में ममता के प्यार की बाहर कर रही है। माँ माँ की पुकार आपको सुनाई नहीं देती क्या? हाँ तोरल, आज तक मारो मारो काटो काटो का शब्द सुनाई देता था, पर आज तुम्हारे प्रताप से ये भक्ति से भरा जगत देखा है। जय अलग धनी। माता तोरल, मेरे बेटे को जीवित करो माँ, मेरे बेटे को जीवित करो माँ, मेरे बेटे को जीवित करो माँ, मेरे बेटे को जीवित करो माँ। धन्य ज्योत के धनी, माँ की ममता की आज कसौटी हो रही है। इस घर में चेतना का दीप प्रकट करो, श्वास की ज्योत को जगाओ, नहीं तो आपकी ज्योत के उजाले के सामने ही एक माता के आशा का दिया बुझ जाएगा मेरे नाथ। जैसल जी, प्रभु को पुकारो, अपने द्वारे आएंगे। ठीक। खम्मा 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 मीठी बोलो, खम्मा मेरे नंदा के रास की बोलो, खम्मा हिंदू पीर की बोलो, खम्मा मेरे नंदा के रास की बोलो, खम्मा धरती का तू वीर, अलख धन अकलंकी पधारो वीर, राम दे दया करो हो बड़।
अवतार धरो रे तू धरती पर अवतार धरो। अपने दिए वचन को याद करो। जय अलग धनी। नहीं, तोरल दे, तोरल दे, मेरे अंदर के पुरुष को मार डालो, मेरे दिल में भरे अहंकार को मार डालो, मेरी वासना के जहर को मिटा दो तोरल दे, मिटा दो तोरल दे। जाड़े जा, खारे सागर में एक लोटा अमृत डाल देने से वो मीठा नहीं होता। भक्ति के मान सरोवर के मोती के चारों मुखी वासना के कादे कीचड़ और गंदगी पर नजर डाली। तोरल दे, होता है जाड़ेजा, कई बार ऐसा होता है। अगर आँखों पर अंधेरा छा जाए पर जीवन की चादर एक ही बार धोने से उजली नहीं होती, इसमें कई बार नहीं दिखने वाले दाग भी रह जाते हैं। धुल जाएगी जाड़ेजा, धीरज रखो, धुल जाएगी। तोरल दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, जैसल जाड़ेजा, जवान मर्द जैसल, नारी के कपड़े धो रहा है। मन का मैल तो धोना ही पड़ता है पंडित महाराज। हैं? आपकी वाणी सच्ची हो गई। एक नारी चरणों में मेरा मस्तक झुका दी, पर प्रभु के चरणों में। हाँ, पर तुम्हारा अभिमान कहाँ चला गया? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे देखो देखो जैसल जड़ेजा, खून खराबा करने वाला औरत के कपड़े धोने गया था। अरे देखो देखो औरत के कपड़े धोकर ला रहा है। क्यों जैसल भाई, औरत के कपड़े धोए? अरे औरत तो कमाल की मिली है भैया। पर गांव की औरतें जल गई ना तो सब अपने पतियों से कपड़े धुलवाएंगी। चल चौराहे पे बैठ के मंडली जमाए। अबे ए ढोल पिटिया, चौराहे में गप्पे मारने बैठा है, मेरे कपड़े कौन धोने आएगा? तेरा बाप? बाप के बारे में कुछ मत बोलो। मेरा बाप क्या जोरू का गुलाम था जो अपनी औरत का कपड़ा धोने जाएगा? अबे मुछी नीचे कर और घाघरा धोने जा, घाघरा। चल जा, उठा
उठा पोटली चल। इन सब के सामने तो मैं तेरे कपड़े नहीं धोऊंगा। बाकी कहती है तो घर में कुंडी बंद करके कपड़े थपथपा दूं। ना, इसमें मेरा यानी कि धूड़ी का मान नहीं बढ़ेगा। पूरा गांव देख ले, इस तरह कपड़े धोने जा। मैं कौन? धूड़ी धुन वाली। वाह धूड़ी धुन वाली, शाबाश शाबाश, कमाल की औरत हो तुम, कमाल की। अरे अब तेरे अकेले के कपड़े हो तो मैं फटाफट धो भी दूं, पर ये तो सारे मोहल्ले की औरतों के कपड़े हैं। पोटली उठा, पोटली उठा, अब जैसल जाडेजा की तरह औरतों के कपड़े धोने जाएगा। ठीक है ठीक है, अरे कोई मुझे पोटली तो ढुआ। अच्छे लग रहे हो कोतवाल। अरे ये दाग तो अभी भी रह गया। जाडेजा जी, ये आपने क्या किया? मेरे कपड़े धोकर आपने मुझे पाप में डाल दिया। सती, मैंने तो मेरे मन के मैल को धोया है। देखो, गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में धोया, फिर भी ये दाग नहीं जाता। मन का मैल तो किसी का भी हमेशा नहीं रहता जाडेजा, और भक्ति का नीर तो बड़े बड़ों का पाप धो देता है। लेकिन मेरे इस कपड़े में तो एक छोटा सा दाग ही रह गया है। धीरज रखो जाडेजा, समय आने पर ये भी धुल जाएगा। तोरल दे। संतो भक्तो, मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराओ। सुनो 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 गांव वालों, साधु संतो और मंदिर के पुजारियों, सुनो, राजा का हुक्म है कि राजा की ध्वजा से ऊंची कोई भी ध्वजा यहाँ पर नहीं फहराई जाएगी। ध्वजा फहराओ, राज्य की ध्वजा से धर्म की ध्वजा महान है। पुजारी, राज में रहने है कि नहीं? ढोली ढिंढोरा पिटो। राज सत्ता का नगाड़ा धर्म मंदिर के आंगन में नहीं बजाना चाहिए। ओ, जानती हो ना राज आज्ञा का अपमान मतलब मौत। तुम्हारे राजा और सत्ता हमें मार सकते हैं, पर उनसे भी बड़ा जीवन दाता तो ये राज राजेश्वर है। दो दिन की छोरी पर चमत्कार दिखा के दिया जलाने वाली का अभिमान बोल रहा है? अभिमान नहीं, मेरे ऊपर वाले का विश्वास बोल रहा है। तुझे तेरे भगवान पर विश्वास है तो बिना किसी सहारे के चढ़ा मंदिर के ऊपर ध्वजा। आज अच्छी तरह से जान ले तेरी भक्ति और तेरे भगवान का चमत्कार। आज से पहले कितने युगों से प्रभु की परीक्षा लेने वाले इस धरती में पैदा हुए। रावण आया, कंस आया, आए और अधर्म की आग में जलकर राख हो गए। और फिर भी भेद और भक्ति की परीक्षा लेनी हो तो देखो, सद्धर्म की आँखों से ये ध्वजा आसमान में उड़ रही है। सती तोरल की जय। सती तोरल की जय। सती तोरल की जय। मेरी जय नहीं, बोलो अलग धड़ी की जय। अलग धड़ी की जय। अलग धड़ी की जय। अलग धड़ी की जय। जय अलग धड़ी। जय अलग धड़ी। भगत, अकेले कैसे आए? तोरल दे कहाँ है? तोरल दे तो मायके गई है माँ। भगत, हम लोगों ने अंजार में प्रवेश किया था सती के साथ सत्संग करने, उनके हाथ का प्रसाद लेने। माँ, तोरल दे का आसरा और प्रसाद कोई साथ नहीं ले सकता, यह आपका प्रताप है। मैं भोजन की सामग्री लेकर अभी आता हूँ। जय अलग धनी। जय अलग धनी। अरे उठा उठा, बोरी उठा, इतना खाता है बोरी नहीं उठती। अरे वजन भले थोड़ा कम हो जाए लेकिन उठा। जय अलग धनी। आओ जैसल जी आओ, भाव के भूखे साधुओं को खिलाने के लिए अनाज लेने आए हो। हाँ सेठ जी, संतों की जमात यहाँ की पूजा में आई है, उन्हें खिलाना है सेठ जी। अच्छा है, साधु खाएंगे तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। हाँ। पर जैसल जी, इसके बदले में बोलो सेठ, बोलो, आपके इस उपकार के बदले में आपको अपनी चमड़ी का जूता बना के आपके पैरों में पहना दूंगा। तो फिर कह देता हूँ, जो मैं ये सामग्री दे रहा हूँ इसके बदले में तोरल की एक रात। सेठ, अरे पूरी बात तो सुनो। अरे गले में तुलसी की माला पहनी और इतना क्रोध। मेरा मतलब है कि तोरल की एक रात इस ढोली के साथ।
अरे ऐसा मत करो वरना मैं मर जाऊंगा। अरे छोड़ दो जैसल जी, छोड़ दो जैसल जी, छोड़ दो। मेरे बेटे, भगत होने के बाद भी मन से माया नहीं जाती, ये तेरा ये मेरा। अब एक रात बेच देता तो क्या फर्क पड़ जाता है? जय अलग धनी, जय अलग धनी। आओ बेटी, तोरल दे, जैसल जी भोजन सामग्री लेके आ रहे हैं। जैसल जी भोजन सामग्री लेने गए हैं? तब तो मैं भी जाती हूँ माँ। संतों को खाने का भोजन सामग्री का भार जैसल जी अकेले नहीं उठा पाएंगे। जय अलग धनी, जय अलग धनी। एक आधा अकाल पड़े तो एक खाली बही खाता भी भर जाए मेरे भाई। आई आई आओ आओ सती तोरल दे आओ। अकेली आई हो या जैसल भाई को तलवार लेकर बाहर दरवाजे पर खड़ा किया है? तोरल को तलवार की साथ नहीं चाहिए सेठ जी, तोरल तो अकेली ही आई है। भोजन सामग्री गाड़ी में भरवा दीजिए। भरवा दूंगा ना किसने की है, पर पता है ना बदले में। जाडेजा जी ने मुझे बता दिया है, संध्या आरती करके आ जाऊंगी। मेरे वचन पर विश्वास रखना सेठ जी। सेठ जाडेजा, तलवार मान में रखो और जाने की तैयारी करो। अभी सूर्य अस्त हो जाएगा, सदी सेठ के यहाँ जब शाम का दीपक जलेगा तब वहाँ पहुँचने का मैंने उन्हें वचन दिया। तोरल दे। हाँ, अभी तो साधु संत भोजन कर रहे होंगे। चलो जल्दी, सदी सेठ राह देख रहे होंगे। तोरल दे, जैसल को तुमने जो परीक्षा की कसौटी में चढ़ाया है। नहीं तोरल दे, नहीं, मैं जैसल जडेजा तुम्हें सदी के हवाले छोड़ाऊं। और इस अंजार के बाजार में जगत देखता ही ऐसे है। ये जहर मुझे नहीं पिया जाएगा। तुम्हारे साथ जब मैंने सासदिया जी का राजगढ़ छोड़ा था तब उन्होंने तो मुझे हंसते मन से विदाई दी थी। चलिए, वचन टूट जाए तो भक्ति और भेद में लांछन लग जाएगा। आरती हो गई लेकिन अभी तक नहीं आई। जाओ तोरल दे, अपना वचन पूरा करो। जय अलग धनी, जय अलग धनी। माल सब साधु संत खा गए और मैं बेवकूफ बन गया, अभी तक नहीं आई। सदी सेठ। ओहो, आ गई। तोरल, तुम वचन की बहुत पक्की हो। है हे भगवान, आज की रात को 8 पैर की कर दे, फिर मैं और तोरल। धीरज धीरज सदी सेठ, धीरज। तुम्हारे जैसे सेठ की हवेली में तो सूरज उगे तो भी रात का अंधेरा ही होता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जाडेजा जी मुझे छोड़ने आए हैं। जाडेजा जी छोड़ने आए हैं? डरो मत सेठ, डरो मत। जाडेजा जी को मैंने अपने वचन के कच्चे धागे में बांध लिया है। अरे भाई, उसका कोई भरोसा नहीं। तुलसी की माला तोड़ के चाहे जब तलवार उठा ले। तोरल दे, तुम तो वचन की पक्की हो, आई तो सही पर इस वेश में। सदी सेठ, तुम मुझे मेरी नजर से देखो। मेरे लिए तो ये भगवा एक 16 श्रृंगार है, भेंट तो तुम संसारियों के लिए है। देखो सदी सेठ, देखो देखो। देखो आज आज आओ आओ आओ। हाय 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 हाय, आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई। आओ पधारो पधारो पधारो, आराम से आराम से। बिल्कुल शर्माना नहीं, ये पलंग अपना ही है। बैठो बैठो, ये घर भी अपना ही है, जरा भी घबराना नहीं। हम साधुओं के लिए तो सब घर ठाकुर धनी का है। तुम्हें सत्संग करने नहीं बुलाया है, आज की रात मौज करने की रात है। आओ 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 सदी सेठ, देखो। नहीं नहीं, ये नहीं। देखो
देखो ये रूप। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मौज नहीं करनी। नहीं नहीं नहीं, आओ आओ मौज करने आओ। मान गए मान गए मान गए। माफ करो माफ करो माँ, मुझे माफ करो। मैं तुम्हारे रूप को समझ गया माँ, मुझे माफ करो माफ करो माफ करो। आओ सदी सेठ, अधर्म के अंधियारे से सद्धर्म के उजाले में आओ। माफ करो माँ, मुझे माफ करो, मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ माँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। चलो चलो जैसल जी। अरे 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 जैसल जी, मुझे माफ करो। जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी। जैसल जी, माँ माँ मुझे माफ कर दो, आज से तुम्हारी शरण में हूँ माँ। मारो मारो इसको, निकालो इसको, बाहर निकालो इसको, निकालो बाहर निकालो, मारो निकालो बाहर निकालो, मारो निकालो बाहर निकालो, मारो निकालो बाहर निकालो। सती तोरल, जैसल जाडेजा को दानव से मानव में आपने परिवर्तन किया था और मरे हुए बच्चे को जीवन दान देकर उसके प्राण बचाए थे माँ। बहन, मेरा नाथ तो मानव को मात्र निमित्त बनाते हैं, जीवन की बाजी तो जगत के जीवन दाता के हाथ में है। तुम कौन हो बहन? अभी तो भिखारन होके तुम्हारे सामने अपना दामन फैलाती हूँ माँ। तुम्हारे ऊपर दुख का ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो तुम नंगे पाँव भटकते हुए यहाँ तक आ गई? माँ, मेरी माँ के सिंदूर को रक्त पीत और कोढ़ की भयानक बीमारी हुई है माँ। जय अलग धनी। माँ, माँ मुझे जीना है, मुझे जीवन दान दो माँ। जय अलग धनी। माँ, इस रोग से तो माँ धरती ही बचा सकती है माँ, इसीलिए तुम्हारे पास मौत से छुटकारा मांगने आई हूँ माँ। बहन, जीवन मरण की कुंजी तो करतार के हाथ में है, मैं भी तुम्हारे जैसी मिट्टी की मानव हूँ। देख लो इस माटी की मानव को, फिर अपने सतीत्व ढिंडोरा किस लिए करती हो? अपने अलग धनी की ध्वजा का परचा लेके गांव गांव घूमती हो तो मिटाओ ना इसके पति का रोग। तेरे इस पति के साथ तो मैं बस कोतवाल, अब एक शब्द आगे कहा तो भगत होता है, जगत की जबान पर ताला नहीं लगा सकते। अपना गमछा दो। आओ जगत के आधार, भक्त की भगवी चादर की आज कसौटी ली जा रही है। बोलो अलग धनी की जय, बोलो अलग धनी की जय, अलग धनी की जय। लो भगत जी, मेवाड़ के राजा माला और रानी रूपा देवी के यहाँ संतों के जमात का बुलावा है। गद गंगा की जय हो। जय हो। अच्छा, जोड़े के साथ आ जाना। ठीक है। जोड़े से समृत संत, जोड़े से जमात में पधारो। सासदिया जी, तुम्हारे साथ मेरा राम सागर है। सती तोरल दे, तुम्हारा एक एक शब्द मेरे लिए सत्य वचन है। मिलूंगा, जरूर मिलूंगा अलग धनी के दरबार में, संतों के मेले में। जय अलग धनी। संत की जमात में आप अकेले ही जाओ तुरल दे। संतों के पास जोड़े से ही जाते हैं, महाधर्म की परंपरा है। जानता हूं तुरल दे, पर अनजाने में भी कोई अपमान हो ये मेरा दिल नहीं मानता। कच्ची जमीन के टुकड़े कर दूं ये मेरा मन नहीं मानता। मान सरोवर का पानी, दो संतों का मिलन। मुझे लग रहा है कि अलग धरने की आज्ञा नहीं है, उनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपको अकेला छोड़ के मुझसे सामैया में नहीं जाया जाएगा, और संतों की आज्ञा ना माने तो धर्म हार जाएगा। अपने धर्म कर्म का ध्यान रखेगा अपना अलग धनी, वो ही अपनी लाज रखेंगे
ये मेरा विश्वास है। जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग, जय अलग धनी। पधारो 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 मेरे महान संत, पधारो मेरे अलग के अवतार। तोरल जी, सासादिया जी अलग धनी के हुक्म से अपने आंगन में पधारे हैं। हाँ, देख रही हूँ मान सरोवर का पानी, दो संतों का मिलन। धन्य ये घड़ी, धन्य ये भाग्य, काया के कोने में मानो सौ सौ जोत जल गई। तोरल जी, अब जोड़े से सामैया में पधारो और मेरी तरफ से भी पाठ की जोत को प्रणाम करना। सासदिया जी, गत गंगा को मेरी तरफ से भी सौ सौ प्रणाम कहना। जडेजा जी, एक वचन दो कि जब हम समैया से वापस आए तो गांव की सीमा के सामने आप हमें लेने आएंगे। सासदिया जी। हाँ जडेजा जी, वचन निभाना पड़ेगा आपको। हाँ, वचन निभाएंगे मेरे ध्वजाधारी नाथ। जय अलग धनी, जय अलग, जय अलग, जय अलग धनी। चलो सासदिया जी, चलिए। भक्ति के लिए हंस उड़ गए, अब चलो जडेजा। अब अलग धनी के वास्ते उड़ने का समय आ गया। तोरल दे, आशा तो थी कि आप जब समैया से वापस आओ तब तक आने वाले मेहमान के लिए प्राण के पंछी को रोके रखो, पर अब समय आ गया। अलग धनी का बुलावा सामने आके खड़ा है। ओ अंतर मन को आंसुओं से धोया तो भी एक दाग तो रह गया, एक दाग तो रह गया कि आज ये वियोगी आज हृदय रो रहा है। तोरल दे, हृदय रो रहा है। रोए रोए किसको सुनाऊं तोड़ा दे, ऐसा दुख किसके आगे गाऊं। ऐसा जडेजा कहे हे, आज दिल रोए और मन रे भीतर जले। रोए रोए किसको सुनाऊं तोड़ा दे, ऐसा दुख किसके आगे गाऊं। ऐसा जडेजा कहे हे, आज दिल रोए और मन रे भीतर जले। हे मन रे भीतर जले। हम तो थे ऐसे सती रानी कड़वी बेल के जैसे, भीतर जले। हम तो थे ऐसे सती रानी गहरे पानी रे, ऐसा जड़ जात है
मन रे भीतर जले, हे मन रे भीतर जले। हम तो चले रे सती रानी भगवन के द्वार पे रे, हे जियो थोड़ा दे तुम्हारे बिना दिन ना जाए, ऐसा जाने जात है हे आज दिल रोए और मन रे भीतर जले, हे मन रे भीतर जले। भले रे मिले रे हमको दिखी काठिया जले, हे मन रे भीतर, हे मन रे भीतर जले। मेरी समाधि खोदो, जय अलखधनी। महाराज जी अपने राज का खजाना लूट गया। राज का खजाना लूटने वाला कौन है? बुलाओ कोतवाल को। जैसी आज्ञा महाराज जी। बोलिए महाराज। राज का खजाना चोरी हो गया, चोर को पकड़ो। ओह, राज के खजाने के चोर को पकड़ने की आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अरे भैया जैसल की समाधि में से खजाना निकला, बहुत सारा खजाना निकला। जैसल की समाधि में से खजाना? ओ, राज के खजाने को चुराने वाला जैसल ही है, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धन्य है जैसल जी, धरती में से हीरे मोती जवाहरात निकले, इसी का नाम पुण्य प्रताप है। भाई ये पुण्य का प्रताप नहीं, आयु के आखिरी समय में खुद के बोए पाप के झाड़ का ये कड़वा फल है। धरती में से निकले हीरे मोती जवाहरात को जगत मेरा चमत्कार मानेगा, पर मेरे मन के लिए तो यह कर्मों के कीचड़ का कालिक है। माता धरती, मुझे इस हीरे मोती के परत पर नहीं, बल्कि मुझे तो मेरी ममता की मिट्टी में सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए। ये रहा राज्य का खजाना। भाई ये तो साधु की समाधि है। साधु की समाधि? जग का चोर जैसल, मरते मरते भी 7 हीरे मोती ले जाने का मन हो गया। अरे जीवन की आखिरी घड़ी में साधु का भेष बना लिया। अरे रहने दो कोतवाल, रहने दो। कच्छ की धरती के पुण्य प्रताप से संत की जोत जगी है, इसे अधर्म की आंधी से बुझाने का पाप क्यों कर रहे हो? सदी सेठ, तुम और चोर के साथ? नहीं नहीं, हवा फिरे बादल फिरे, फिरे नदी का पुल, पर भगत जैसल किसी भी दिन चोरी नहीं कर सकता, भले ही सारी दुनिया कहे, पर मैं नहीं मानता कि भगत जैसल ने चोरी की है, मैं नहीं मान सकता। अभी मान जाएगा। नहीं कोतवाल, नहीं। नहीं सेठ, नहीं, नहीं। कसम है आपको अलग धनी की, जो आप मेरे शरीर पर पड़ने वाले कोड़ों की पीड़ा खुद के शरीर को दी तो। अलग धनी की कसम से पुण्य बड़ा है जैसल जी, आपके शरीर पर पड़ते कोड़ों का घाव मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं, रहने दो, हट जाओ। नहीं सेठ, नहीं सेठ, मेरे जीवन का जहर का प्याला मुझे अकेले ही पीने दो, मुझे अकेले ही पीने दो। कोतवाल,
मारो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय अलगधनी, जय अलगधनी। रुक जाओ कोतवाल, साधु संतों के शरीर पर कोड़ों से वार नहीं किया जाता। चल हट। जय अलगधनी, तू भी मरेगा। मर। धन्य हो मेरे नाथ, ये साधु के शरीर पर बरसे कोड़े को रोकने का आज मुझे सुनहरा अवसर मिला है। मारो कोतवाल, मारो। मेरे मन का राम खुश हो के कहता है, रे जीवन, तेरे स्वर का सुख भोगने का सुनहरा अवसर आ गया है। मारो कोतवाल, मारो। ले जाओ इसको। जय अलग धनी, मेरे भगत जैसल की लाज रखना मेरे नाथ। जय अलग। नहीं, नहीं। जय अलगधनी। खम्मा 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 मीठी बोलो, खम्मा मेरे कंठा के रास की बोलो, खम्मा हिंदू पीर की बोलो, खम्मा मेरे रणुजा के रास की बोलो, खम्मा। नहीं भगत, नहीं 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 भगत, नहीं 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 भगत, नहीं। ये क्या कर रहे हो भगत? नहीं, ऐसा मत करो। भक्तों की रखवाली तो ऊपर वाला करता है, वही हमारी रक्षा करेगा। भगत, लकड़ी फेंक दो लकड़ी और चलो हमारे साथ। चलो भगत, चलो चलो हमारे साथ, तो अनर्थ हो जाएगा। राज्य के खजाने के चोर, चल। रहने दो कोतवाल, रहने दो। भगत जैसल चोर नहीं है और ये खजाना राज का नहीं है, तो साबित करके दिखाओ। साबित साबित क्या करे कोतवाल, अलग धनी मेरे जैसे अपंग को भी अच्छा कर दिए। कोतवाल, तुम्हें सबूत चाहिए? अरे सबूत तो हमारा ऊपर वाला देगा। हे ऊपर वाले, सबूत दो, नहीं तो धर्म के ध्वजा को कोई माथा नहीं नवाएगा। सबूत दो ऊपर वाले, सबूत दो। आया आया, देखो मेरा नाथ आया, गरुड़ पे चढ़ के मेरा गिरधारी आया, आया जैसल के वास्ते जगत का तात आया। वाह मेरे नाथ, वाह 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 वाह। जैसल जी, मुझे माफ कर दो। जैसल जी, कोतवाल, जैसल पीर की जय, जैसल पीर की जय, अलग धनी की जय, अलग धनी की जय, राज ध्वजाधारी की जय, विघ्न हरण हरी की जय। खम्मा 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 पीर की बोलो, खम्मा मेरे कंठा के रास की बोलो, खम्मा हिंदू पीर की बोलो, खम्मा मेरे रणुजा के रास की बोलो, खम्मा 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 पीर की बोलो, खम्मा मेरे कंठा के रास की बोलो, खम्मा हिंदू पीर की बोलो, खम्मा मेरे रणुजा के रास की बोलो, खम्मा। जैसल जी, हरी तेरे
वचन देकर भी राह नहीं देखी? ये पीरों का प्रमाण नहीं है जैसल पीर। जगत जानेगा कि जैसल पीर ने वचन देकर भी मिले बगैर ही विदाई ले ली। जागो जैसल पीर, जागो, नहीं तो वचन के अमृत को जहर का कटोरा मान के धरती की इस पवित्र धूल में फेंक देंगे। नहीं सती, नहीं, वचन का अमृत कभी जहर का रूप धारण नहीं कर सकता। समाधि में से आवाज दो जैसल पीर, आवाज दो, यही साधु होने का प्रकट प्रमाण होगा। जागो जैसल पीर, जागो, ये तोरल तुम्हें याद कर रही है, जागो। Hey!
दिया हुआ वचन अपने अलग धनी ही निभाएंगे। जैसल जी, आपने दिया हुआ वचन पूरा किया। लो चलो, हमें तो समाधि में साथ साथ बैठना है। जय अलग धनी। जय अलग धनी। सासदिया जी। हाँ तोरल दे, अब हम मिलेंगे अलग के दरबार में। जय अलग धनी। जय अलग धनी। सती तोरल की। जैसल पीर की। सती तोरल की। जैसल पीर की। पर जैसल जग का चोर रे है, उसे पल में कहां पी।